बैक टू आवर वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले बादशाह अकबर के नौ रत्न में से एक रत्न जिसका नाम है दोस्तों तानसेन। सो लेट्स स्टार्ट एंड एक्साइटेड। दोस्तों आप सभी ने अपनी लाइफ के अंदर एक ना एक बार तो तानसेन नाम सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने पूरे देश के सबसे महान संगीतकार जिनका नाम है दोस्तों तानसेन। और दोस्तों आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों मुकंदर मिस्त्री नाम के मतलब एक आदमी और उसकी वाइफ के साथ वो एक बिहूट नाम की जगह पे रहता था जो कि दोस्तों ग्वालियर के काफ़ी पास था। वहाँ पे दोस्तों तानसेन उनका इकलौता बच्चा था उनके माता पिता का। और दोस्तों तानसेन जो है मतलब उसे बचपन से ही काफ़ी शौक था म्यूज़िक गाने का, बोलने का, जानवरों की आवाज़ निकालने का। तो दोस्तों धीरे धीरे मतलब फॉरेस्ट के अंदर रहता था तो दोस्तों वहाँ पे शेर वगैरह जो भी मतलब पक्षी वगैरह की आवाज़ उनको भी वो मतलब ट्राई करता था बोलने की सेम टू सेम। मतलब एक ना एक दिन तो दोस्तों तानसेन को कामयाबी मिलने ही वाली थी। फिर दोस्तों तानसेन जो है धीरे धीरे दोस्तों सीखता गया, कोशिश करता गया। फिर दोस्तों उसके बाद उसने सारी मतलब जानवरों की आवाज़ निकालना सीख गया दोस्तों। और ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब कोई सच्ची में इंसान ऐसी आवाज़ कह रहा है, इतनी परफेक्ट तानसेन को वाली आवाज़ आ गई। फिर दोस्तों एक दिन स्वामी हरिदास नाम के एक महान संगीतकार अपने सारे फैंस के साथ दोस्तों फॉरेस्ट के अंदर जाते और दोस्तों वहाँ पे वो जाके देखते कि मतलब वो जाते घूमने के लिए, मतलब ऐसे ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं दोस्तों वहाँ पे। फिर दोस्तों वहाँ पे जो है तानसेन देख लेता है और कहता है अच्छा तुम आ गए हो। तो दोस्तों वो कहता है ये तो अजनबी हमारे फर्स्ट में आ रहे हो, रुको अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। फिर दोस्तों तानसेन ने सोचा क्यों ना मैं इनको शेर की आवाज़ में धाड़ के इनको डरा दूँ। दोस्तों तानसेन जो है मतलब काफ़ी शरारती भी था बचपन से। फिर दोस्तों तानसेन एक पेड़ के ऊपर मतलब पीछे मतलब जाके बैठ गया और उधर से दोस्तों वो मतलब आवाज़ निकालने लगा। दोस्तों वहाँ पे जो सारे सब लोग डर जाते स्वामी हरिदास, लेकिन दोस्तों स्वामी हरिदास भी काफ़ी मतलब फ्रेंडली और काफ़ी अच्छे। फिर दोस्तों उन्होंने मतलब देखा कि मतलब घूम रहे थे सारे दोस्तों पैनिक सिचुएशन में आ गए थे। फिर दोस्तों वहाँ पे जो है स्वामी हरिदास ने सबको कंट्रोल में रखा और कहा कि सारे शेर एक जैसे ही नहीं होते, मतलब सारे शेर खतरनाक नहीं होती। फिर दोस्तों उसके बाद तानसेन जो है दोस्तों उनको दिख ही जाता है, मतलब स्वामी हरिदास के एक ट्रैवलर को तानसेन जो है दिख ही जाता है और कहता है वो देखिए गुरुजी वहाँ पे पेड़ के पीछे मतलब पेड़ के पीछे एक बच्चा शेर की दहाड़ निकाल रहा है। फिर दोस्तों मतलब स्वामी हरिदास ने जो है उसको मतलब बाहर लाया तानसेन को और उसे पनिश नहीं किया दोस्तों, उसको ना ही कुछ डांटा ना ही कुछ बोला, सिर्फ उन्हें एक ही बात की तुम्हारे माता पिता का है मुझे उनसे मिलना है। फिर दोस्तों स्वामी हरिदास उसके घर पर जाते हैं तानसेन के साथ। वहाँ पर दोस्तों वो कहते हैं उसके माता पिता को आप सर आपका बच्चा मतलब शरारती काफ़ी है लेकिन इसके साथ साथ इसके पास एक बहुत ही अच्छा टैलेंट भी है, वो हमें लगा ही नहीं, हमें सच में लगा कि कोई शेर आ गया। फिर दोस्तों तानसेन जो है मतलब खुश हो जाता है थोड़ा थोड़ा और वो कहता है मतलब स्वामी हरिदास उसके पिता को कहता है क्या मैं आपके बच्चे को अपने साथ लेके जा सकता हूँ, मैं उसे एक ना एक दिन एक काफ़ी अच्छा संगीतकार बनाऊंगा। फिर दोस्तों तानसेन दस वर्ष का जब होता है तब वो चले जाता है दोस्तों स्वामी हरिदास के साथ। फिर दोस्तों धीरे धीरे मतलब 11 ईयर्स दोस्तों तानसेन उधर ही रहता है और धीरे धीरे दोस्तों तानसेन जो है वो भी महान संगीतकार बन जाता है। फिर दोस्तों सडनली तानसेन को खबर पहुंचती है कि उसके माता पिता जो है उनकी मृत्यु हो गई। फिर दोस्तों तानसेन के जो पिताजी थे उनकी आखिरी इच्छा थी कि तानसेन जो है मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर वहाँ पे जाए दोस्तों, जो कि एक काफ़ी अच्छे आदमी है। और दोस्तों तानसेन के पिताजी भी एक टाइम पे उनके साथ ही काम करते थे और दोस्तों मतलब काफ़ी बार उनके घर पे जाते थे उनसे मिलने के लिए और वो चाहते थे कि तानसेन भी उनके पास जाए और उनसे कुछ सलाह वगैरह ले। फिर दोस्तों तानसेन जो है मोहम्मद गौस के पास चले जाता है। फिर दोस्तों वहाँ से जो है वो चले जाता है दोस्तों रानी मिर्गानी के पास और दोस्तों वो भी मतलब काफ़ी अच्छी संगीतकार थी। फिर दोस्तों वहाँ पे जो है उसी के मतलब उन्हीं रानी के कोर्ट के अंदर एक हुसैनी नाम की मतलब लड़की थी जो कि उसी के कोर्ट के अंदर रानी मिर्गानी के साथ काम करती थी। फिर दोस्तों तानसेन और हुसैनी ने शादी कर दी। फिर दोस्तों उसके बाद हुसैनी को दोस्तों 5 चिल्ड्रंस हुए थे। फिर उसके बाद दोस्तों तानसेन जो है मतलब काफ़ी फेमस हो गया था पूरे अपने गाने के लिए। कभी कभी तो दोस्तों
तानसेन मतलब खुद बादशाह अकबर के सामने जाके गाना गाता था। तानसेन काफ़ी मतलब ऐसे नर्वस रहता था मतलब बादशाह अकबर के सामने। फिर दोस्तों बादशाह अकबर भी उसके गाने से काफ़ी इंप्रेस होते थे और एक दिन दोस्तों मतलब हर वक्त उसे तारीफ करते थे बादशाह अकबर और उन्हें मतलब कुछ तोहफे भी देती थी। फिर दोस्तों उसके बाद जो है तानसेन भी उस चीज़ से काफ़ी खुश था, पर दोस्तों कहीं ना कहीं तो गड़बड़ आनी ही वाली थी तानसेन की लाइफ में। फिर दोस्तों बादशाह अकबर के जो बाकी मतलब सेवक वगैरह होते थे, बाकी जो म्यूजिशियन होते वो दोस्तों काफ़ी मतलब जलस होते कि भाई बादशाह अकबर कल तक तो हमारी तारीफ करते थे, आज ये तानसेन नाम का कौन आ गया। फिर दोस्तों उसके बाद उन्हीं में से दोस्तों एक ने बताया, वो सारे लोग एक जगह पे गए और उधर वो प्लान बनाने लग गए कि तानसेन को अभी बादशाह अकबर के आँखों के सामने मतलब गंदा कैसे करे, उसकी इंसल्ट कैसे करे। फिर दोस्तों उसके बाद उन्हीं में से एक बंदे ने कहा कि बादशाह अकबर के सामने तानसेन को हम कहेंगे कि उसे राग दीपक गाने। दोस्तों फिर दोस्तों वो सारे आपस में ही चर्चा करने लग जाते हैं, वो कहते हैं कि राग दीपक गाने से वो भला कैसे मर सकता है। फिर वो कहते हैं दोस्तों कि राग दीपक एक ऐसा सुर है, अगर उसको प्रॉपरली गाया जाए तो वो जो गायक है मतलब जो भी उसे गा रहा होगा वो तो चलेगा ही, लेकिन आजू बाजू का जो भी इन्वायरमेंट होगा वो भी मतलब गर्म हो जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद है ना तानसेन की जो मतलब वाइस होती है हुसैनी, वो भी स्वामी हरिदास की स्टूडेंट ही बन जाती है दोस्तों। और साथ ही साथ तानसेन के जो पांच मतलब चिल्ड्रंस है वो भी काफ़ी अच्छे संगीतकार बन जाते हैं। फिर दोस्तों तानसेन को एक दिन बादशाह अकबर के सामने वो लोग कहते हैं कि बादशाह अकबर, तानसेन हम भी मानते हैं कि तानसेन काफ़ी अच्छा गाता है, लेकिन तानसेन को अगर राग दीपक कहने के लिए बोला जाए तो क्या वो कह पाएगा, क्योंकि दोस्तों राग दीपक एक ऐसा दीपक है मतलब ऐसा राग है उसको गा के मतलब वो मर जाएगा, ऐसा वो चाहते थे दोस्तों। फिर उसके बाद वो बादशाह अकबर उसे कहते हैं तानसेन को गाने के लिए। तानसेन काफ़ी डर जाता है और वो सोचता है कि मैं नहीं बोलूँ। फिर नहीं दोस्तों, तानसेन जो है मतलब बादशाह अकबर की बातों को टाल नहीं सकता, तानसेन खुद ही कहता है जी हाँ। बादशाह अकबर मैं राग दीपक गाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। फिर उसके बाद बादशाह अकबर कहते हैं ठीक है तुम्हें मैं थोड़ा सा समय देता हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद में बादशाह अकबर भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तानसेन को बादशाह अकबर भी काफ़ी चाहते थे। तानसेन को वो दिन रात कभी भी अपने कोर्ट के अंदर बुलाते थे और उन्हें गाना गाने उसे गाना गाने के लिए कहते, या फिर दोस्तों कभी कभी खुद बादशाह अकबर जाते थे तानसेन के घर के पास और उधर तानसेन की जो प्रैक्टिस होती थी उसे सुनने के लिए भी दोस्तों बादशाह अकबर जाते थे। इसी प्रकार दोस्तों बादशाह अकबर को तानसेन मतलब काफ़ी अच्छे लगते थे। फिर दोस्तों तानसेन जो है घर पे आता है और उसकी वाइफ हुसैनी को कहता है कि आज कोर्ट में हमें मुझे राग दीपक गाने के लिए कहा है। फिर दोस्तों तानसेन जो कहता है कि राग दीपक का अगर मैं गाऊंगा तो आज मतलब आसपास का मतलब हीट तो गर्म होगी, लेकिन मैं गाते गाते राग भी हो सकता हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद हुसैनी भी काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके फिर दोस्तों तानसेन जो है जाता है मतलब घूमता है, बहुत सोचता है दोस्तों। और फिर उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपनी बच्ची मतलब सरस्वती थी उसकी एक बच्ची, फिर दोस्तों उसे वो कहता है सरस्वती तुम क्या मेरे साथ गाना गाओगी राग दीपक। फिर दोस्तों सरस्वती भी काफ़ी अच्छी मतलब गायक थी, क्योंकि दोस्तों तानसेन से भी काफ़ी इंस्पायर हुई थी वो। और उसकी जो दोस्त थी जिसका नाम था दोस्तों रूपवती, उसके साथ दोस्तों वो दोनों मिलके वो तीनों प्रैक्टिस करते दिन रात राग दीपक की। लेकिन दोस्तों मतलब वो एकदम ऐसे जोश से नहीं बोलती, नहीं तो उधर भी कुछ हो सकता था। फिर दोस्तों उसके बाद जब दिन आता है मतलब दिन चलते जाते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों एक दिन वो जाते हैं मतलब राग दीपक गाने के लिए। और तानसेन का कुछ ऐसा प्लान था, जब वो राग दीपक गाएगा और जब वो जो दिए मतलब लैंप्स होते हैं उनके अंदर आग लग जाएगी, तभी रूपवती और सरस्वती भी उसके साथ गाना गाने लग जाएंगी, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा हीट होगी तो दोस्तों पूरा जो मतलब वातावरण है आजू बाजू का वो हीट जाएगी दोस्तों, क्लाउड्स वो टच होगी और बारिश आ जाएगी और सब बच जाएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में समझाया है वाटर के बारे में, इवेपोरेशन मतलब वाटर वेपर। फिर दोस्तों वहाँ पे जो है ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, तानसेन का कुछ ऐसा प्लान था। फिर दोस्तों दिन आ गया था
कि बादशाह अकबर के सामने उनको जाना है और गान मतलब राग दीपक गाना है। फिर उसके बाद तानसेन उधर चले जाते हैं और पूरी हिम्मत के साथ वो राग दीपक गाना गाना शुरू करते हैं। दोस्तों पूरे जो पेड़ की पत्तियां हैं वो सूख जाती है, नीचे चल जाती है, पानी उबलने लग जाता है और पूरी हीट हो जाती है। उधर बैठी सारी ऑडियंस को ऐसा लगता था हमें कोई इधर से बाहर निकाल रहा, हमें कोई जाने दो जाने दो इधर। फिर दोस्तों बादशाह अकबर को भी काफ़ी दुख हुआ और वो मतलब ऐसे एकदम माफ़ी मांगने के रूप में थे मतलब तानसेन के, क्योंकि दोस्तों उस बादशाह अकबर ने तानसेन को गलत ही कह दिया था राग दीपक गाने के लिए। फिर दोस्तों तानसेन जो है मतलब बीमार हो जाता है उस दिन के बाद से। फिर दोस्तों तानसेन को जो है मतलब रेस्ट की ज़रूरत थी और बादशाह अकबर ने दोस्तों काफ़ी गुस्से में आ गए थे उन लोगों के साथ। फिर दोस्तों वो जो लोग थे जिन्होंने कहा था बादशाह अकबर को, उन सबको दोस्तों बादशाह अकबर ने मतलब दंडित किया, पनिश किया। फिर दोस्तों उसके बाद तानसेन जो है मतलब ठीक हो गया था दोस्तों। और फिर दोस्तों 1585 के अंदर तानसेन की जो है दोस्तों डेथ हो जाती है। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से वो जो जगह थी जहाँ पे तानसेन ने गाना गाया था उसको दोस्तों पिलग्रिमेज ऑफ म्यूजिशियन ऐसा नाम दिया था। फिर दोस्तों आज की वीडियो में हमें ये पता चला है कि कैसे बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न जिसका नाम है दोस्तों तानसेन, इनके बारे में दोस्तों आज हमने जाना। दोस्तों आज की स्टोरी टाइम में इतना ही। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जाके लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।